Good morning, children. So today we are going to take revision of lesson number 13, methods of preserving food. So we learn this lesson. In that lesson, we learn about how to preserve the food items for the long life. So we need wheat, rice, pulses throughout the year. Okay, so these food grains are very much essential for our food items, in our food items. So we have need these food items for long throughout the year we use it. Okay, but their crops get ready only at a certain times of the year. Okay, only 5 to 6 months these crops are harvested, and we need these food items throughout the year. So what we do? We preserve them. So in that lesson, we have to learn about some methods of preserving food. So in order to have grains available throughout the year, one season's crop must be stored and protected till the next season. जैसे कि दाल होती है, हम लोग उसको सुखा के रखते हैं, wheat, rice जो है उसको सुखा के रखते हैं, कोई जो spices है हम लोग उसको सुखा के रखते हैं, means whenever we need it, we can use it. और वो भी अच्छे से, उनको वो spoil नहीं होते, खराब नहीं होते हैं. So different foodstuffs are produced in different places. They have to be made available in good condition to people at long distances. Okay, for example, it must be ensured that eggs, meat and milk products remain in good condition during transport from the dairy or poultry farm till they reach their users. जो milk है, milk product है, जो ऐसी चीजें है कि वो जल्दी से खराब होती है by the action of bacteria. ठीक है, दूध भी देखो आप, हम लोग उसको रात को आता है तो हम लोग उसको boil करके रखते हैं. Boil करने से क्या होगा, या एक या दो दिन वो अच्छे से रह सकता है, या फिर उसको हम लोग फ्रीज करके रखते हैं. सो दैट इज द सम मेथड्स वी यूज टू प्रिजर्व द फूड आइटम्स. सो डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो, सम आर डेलिकेट फ्रूट्स, सम आर डेलिकेट वेजिटेबल्स, आर अवेलेबल इन एबंडेंस इन डिफरेंट सीजन्स. नाउ टोमेटोज आर अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी, और टोमेटोज अभी सस्ते भी है, पर हम लोग जैसे देखेंगे कि जब उसका सीजन नहीं होता तो टोमेटोज महंगे हो जाते, तो हम लोग क्या करते हैं, टोमेटो को प्रिजर्व करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉस. मीन्स वी कैन यूज इट इन द नेक्स्ट सीजन वेन एवर द टोमेटोज आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट इन एबंडेंस अमाउंट. सो दीज मेथड्स आर यूटिलाइज. नाउ दे ऑल्सो टेस्ट देयर बेस्ट इन दैट सीजन. हर एक सीजन में उस फ्रूट का टेस्ट होता है, वो वेजिटेबल का अलग से टेस्ट होता है. जैसे कि अभी फेन्यूग्रीक का सीजन है, स्पिनैच का सीजन है, मटर ऑल्सो आर अवेलेबल इन दिस विंटर सीजन, सो दैट आर नॉट अवेलेबल इन समर एंड रेनी सीजन. सो व्हाट वी डू, वी फ्रीज इट, वी प्रिजर्व इट. सो फ्रोजन मटर्स आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर. हम लोग अभी उसको फ्रोजन करके रखते, यानी कि हम लोग उसको नेक्स्ट मंथ में या फिर जब भी अवेलेबल नहीं रहता है तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं. ओके, सो टू प्रिवेंट दीज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड एंड टू एंजॉय देम ऑल अराउंड, ऑल ईयर अराउंड, वी मेक एफर्ट्स टू प्रिजर्व देम. Various kinds of papers, jams, pickles, onion, fish and masalas are prepared and preserved for the whole year in many homes. अभी देखो समर में हम लोग चिप्स बना के रखते हैं, पापड़ बना के रखते हैं, है ना, जो कि सांड के बना के रखते हैं, कि जो उसमें materials यूज होता है उसको हम लोग यूज करके उसको ड्राई करके सन में, पापड़ को हम लोग सुखा के रखते हैं, उसको अचार जैम्स बना के रखते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करके, एंड वी प्रिपेयर एंड प्रिजर्व फॉर होल ईयर इन मेनी होम्स. नाउडेज वी कैन बाय सच रेडी फूड, रेडीमेड प्रोडक्ट्स इन द मार्केट टू. इन मार्केट्स द प्रिजर्व फूड आइटम्स आर ऑल्सो अवेलेबल.
नाउ अ डेज, जैसे कि अचार मिलता है जो साल भर हम लोग उसको यूज करते हैं, आम का अचार, साल भर तो मैंगोज नहीं रहते, सो वी मेक द पिकल्स ऑफ मैंगो एंड वी यूज थ्रू आउट द ईयर. ऑल्सो सम स्क्वैश बना के रखते, शरबत बना के रखते. टू अवॉइड हैविंग टू गो टू द मार्केट फॉर provisions again and again, we store what we need for several days. Okay, if the food prepared for one meal is not finished, then we use certain methods of keeping it from spoiling in order to have it again the next time or the next day. Okay, so let's see some methods. When we do, we say that the foodstuff is spoiled, what changes are seen in it? जब food spoil होता है तो क्या देखते हैं हम लोग उसमें? A bad smell comes out from that food item. So that food item is not good for our health if we consume the spoiled food. So because why? Some bacteria attack on the food item, some viruses attack on the food item, fungus attack on the food item and spoil the food. Fungus means what? We see a black or greenish fibers like a cotton wool growing on a piece of chapati or bread placed in a closed box. Sometimes what happens? Usually in the humid season. सीजन में एक कॉटन जैसे हमें फंगस ग्रो हुआ दिखता है, सो दैट इज अ सी अ इट्स अ फंगस दैट सीन. इफ वी ऑब्जर्व इट इन द माइक्रोस्कोप यू विल सी अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज अ फंगस दैट इज कॉल्ड म्यूकर. सो दैट फंगस ग्रो ऑन अ पीस ऑफ chapati or bread if we place in a closed box, it also starts smelling, whereas for several days we see no such changes in scripts piece of chapati one that was put in a fridge. Okay, compare the two chapatis, one we keep inside the fridge and when we keep inside outside the fridge for some days. फ्रिज में जो चपाती रखते हैं उसमें आपको फंगस ग्रो हुआ नहीं दिखेगा, बट वी कीप दिस चपाती और ब्रेड आउटसाइड द फ्रिज इन ह्यूमिड रीजन, सो यू विल सी दिस फंगस अटैक ऑन द ब्रेड. व्हाई? बिकॉज़ फ्रिज में जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन होता है, वो टेम्परेचर में फंगस की ग्रोथ नहीं होती है. But you keep it outside the fridge, the temperature is favorable for the growth of the fungus and that fungus grows on the bread. इसलिए हम लोग जो भी food item हमें बहुत देर तक रखते हैं उसको हम लोग fridge करके रखते, frozen करके रखते हैं. The spores of fungus are present in air and water also. The chapati in the box created favorable condition for the growth of the fungus available of food, water, air and warmth. So that's why the fungus grew on the chapati in the box. That is the reason. And the chapati which is we kept inside the fridge, there is no favorable condition for the growth of the fungus. Okay. So see here. About fungus, it's a cotton wool like fibrous growth on the chapati as a kind of fungus. Fungus is a type of microorganism. We have to use microscope to see the structure of the fungus. Okay, then food and microorganisms. So microorganisms are present all around us. Usually in the air, moisture and warmth are available where food is kept. So it means that it is always possible for microorganisms to grow rapidly in our food or foodstuff. We cannot see them, but if we
they begin to grow, our food gets spoiled. Such a spoiled food can cause a stomachache, diarrhea, vomiting etc. So that is, if we consume the spoiled food, it is very harmful. It causes various diseases like stomachache, diarrhea and vomiting, dysentery also. Okay, so don't consume the spoiled food. The nutrition value of such a food is also reduced due to growth of the fungus. Sometimes it can even threaten life also. It's a very harmful. Okay, so microorganisms and food. So food, microorganisms attack on a food atoms if you keep it for long last. So use food atoms as early as possible. Don't keep for long time. Okay, then some methods of food preservation. Some methods are given in your syllabus. So first method is the drying method. Every time ask in exam, write a short note on drying. Then cooling, boiling, placing in airtight cans. Okay, these are the some methods we have to learn in this lesson. Boiling, drying means जो फूड स्टफ है उसको ड्राई करके रखना. मीन्स व्हेन वी ड्राई फूड स्टफ इन अ हॉट सन द वॉटर कंटेंट इनसाइड द फूड स्टफ इज लॉस्ट एंड दिस मेथड इज यूज टू प्रिजर्व द फूड स्टफ लाइक पापड़, क्रोड़ी, सांडगे, वीट, दाल, जो होती है स्पाइसेस होते हैं हम लोग उसको यूजली वी प्रीफर इन समर सीजन हम लोग उसको अच्छे से सुखा के रखते हैं फिर हम लोग उसको साल भर यूज कर सकते हैं उसमें कीड़ नहीं लगती खराब नहीं होते फंगस नहीं लगता अगर अच्छे से ड्राई हो के रखते हैं तो सो ड्राइंग इज अ गुड मेथड फॉर प्रिजर्विंग फूड ओके देन कूलिंग कूलिंग इज ऑल्सो गुड मेथड वेन फूड इज प्लेस इन अ रेफ्रिजरेटर सबके घर में बड़े बड़े फ्रिज होते हैं We keep it all the food atoms inside the refrigerator. So microorganisms do not get the warmth they need for their growth. So the best thing is warmth for the growth of the microorganisms. But you keep when you keep the foodstuff inside the fridge, the temperature becomes controlled. Or वो जो controlled temperature होता है कम temperature में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होती है ओके सो कूलिंग इज ऑल्सो गुड मेथड इसलिए हम लोग जो भी होता है जो भी दाल होती है मूंग मटकी चना वो सब हम लोग फ्रीजर में डाल के रखते हैं रवा मैदा वी ऑल्सो कीप इनसाइड द फ्रीजर इससे क्या होता है उसमें इंसेक्ट्स नहीं होते अलिया नहीं होती सो दैट फूड आइटम्स कीप फॉर long time in good condition if we keep it into the refrigerator so cooling is also good and simple method to preserve the food okay children then boiling some food items like milk we have to boil it so boiling karne se kya hoga milk ke andar jo bacteria hoti hai wo kill ho jate hai जो भी मिल्क को खराब करने वाले बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इनसाइड द मिल्क दे डिस्ट्रॉय व्हेन यू बॉइल द मिल्क सो व्हेन फूड स्टफ्स आर बॉइल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन देम गेट डिस्ट्रॉयड लाइक वाटर में भी जो हम लोग अगर किसी की तबियत ठीक नहीं हम लोग स्टरिलाइज और क्लीन वाटर वी शुड हैव टू ड्रिंक सो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड वाटर किल्स व्हेन यू बॉइल वाटर ओके मिल्क में भी वैसे ही होता है देन प्लेसिंग इन एयर टाइट कैंस सो व्हेन फूड स्टफ्स आर प्रिजर्व्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फर्स्ट डिस्ट्रॉयड एंड देन इट एंश्योर्ड दैट वाटर और एयर विल नॉट एंटर द फूड स्टफ ओके इट मीन्स दैट To preserve food stuff, the microorganisms in them should be destroyed.
अगर उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके फूड के अंदर नहीं होंगे तो आपके फूड आइटम में दैट बिकम्स इन गुड कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ऑल्सो दे मस्ट बी प्लेस्ड इन कंडीशन इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल नॉट ग्रो अगेन. एयर टाइट रहेगी तो उसके अंदर एयर ही नहीं जाएगी, और एयर नहीं जाएगी तो अगेन देर इज अ नो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन साइड द फूड आइटम. सो यू शुड यूज एयर टाइट कैंस टू कीप इट. जैसे कि मार्केट में आपको फूड स्टफ्स मिलती है उसमें एयर टाइट कैंस में वो पैक किए जाते हैं, जैसे कि सॉस की बर्नी, स्क्वैश, जैम्स या फिर कोई फूड आइटम्स है वो भी, जैसे कि फरसान, चिप्स है, वो एयर टाइट पैक में जैसे कि यूज करके उसको प्रिजर्व करके बेचते हैं. ओके, देन अनादर मेथड इज वी मेक पिकल्स. सो पिकल्स बना के हम लोग फूड स्टफ उसमें सॉल्ट रहता है. सॉल्टिंग इज ऑल्सो गुड मेथड. सॉल्टिंग से भी आप फूड आइटम्स को स्टोर करके रखते हो, जैसे कि अचार बना के रखते हो. वेरियस प्रिजर्वेटिव यूज टू मेक द पिकल. सो दीज आर द मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. नाउ डू यू नो समथिंग? सो मच ऑफ द वैरायटी ऑफ इन द टेस्ट ऑफ अवर फूड इज ड्यू टू द स्पाइसेस. Spices are a very much a good ingredient in our food items. Without spices, the food does not give any smell. A good smell gives by the spices. हमारे food item को जो अच्छी smell आती है, सुगंध आती है खाने में, वो तो सब spices की वजह से. Like cinnamon, cardamom, long, then dalchini, काली मिर्च. सो दीज आर सम स्पाइसेस दैट गिव्स अस द धनिया जैसे होता है दैट गिव्स अस स्मेल. सो एवरी स्पाइस हैज अ डिफरेंट फ्लेवर और टेस्ट. दे हैव स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड फ्लेवर्स एंड आर देयरफॉर यूज इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड. सो स्पाइसेस कैन बी ड्राइड एंड स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. दे कैन बी मिक्स्ड and powder to make many different masalas also. So different spice are obtained from specific part of the different plant. जैसे कि जो दालचीनी होती है वो उसकी stem ये होती है, उसकी छिलका होता है plant का. तेज पत्ता होता है that is the leaves. Then long that is means claw is a flower of that plant. So various spices are obtained from specific parts of the different plants. Okay, kuch ka hum log fruits khate jaise ki dhaniya, coriander, it's a jeera, that is a fruit of that plant. So this is about spices. Then when we buy food stuff from a market, so we should have to check them before buying. Its manufacture date we should have to check. Its expiry date you should have to check. Means kab banaya hai, kab packing kiya hai, date of packing aapko check karni hai before buying any food stuff from the market. Okay, so that is the best thing. So when buying food in sealed bags or boxes, make sure you check the expiry date printed on it. Then so this is about the lesson. So what we learn in this lesson, we learn some food stuff that we preserve. If pickles, jam, papad, etc. are made in the right season, they can be enjoyed for a whole year. So that we learn from this lesson. Then if air, water and warmth are available, the microorganisms grow there rapidly in food stuff. Some microorganisms cause the foodstuff to get spoiled. Drying, cooling, boiling and canning foodstuffs are also adding preservatives to them are the different methods of preserving food children. Okay, so this is about the lesson number 13, methods of preserving food. So this lesson for your
third and fourth unit test. So be prepared with question answers. So tomorrow we revise question answers on the same topic. Okay, so bye everyone.